अंगूरी, अरे जल्दी से कुछ खाने के लिए लाओ भाई, बहुत जोर से भूख लगी है। आ रहे हैं लड्डू के भैया, आ रहे हैं। का चाहिए? अरे कुछ खाने को चाहिए पगली, और का चाहिए? लड्डू के भैया, आज ना हम गुइया के पराठे और सरसों का साग बनाए हैं आपके लिए। अच्छा, सरसों का साग तो खैर छोड़ो, गुइया के पराठे आम के अचार के साथ लेके आओ, क्योंकि ये साग वाग तो घास फूस है, ये गधे खाते हैं। लड्डू के भैया, हमारे डैडू को सरसों का साग बहुत ही पसंद है। अरे तुम्हारे डैडू भी तो है। आप हमारे डैडू को गधा बोल रहे हैं। अरे गधा कहाँ बोले भाई, वो तो छोटे सांड है। कहा बोले? कुछ ने तुम्हारे लिए वो घुइया के पराठे लेके आओ, विदाम का अचार, जाओ। ठीक वाला आ रहे हैं। हाँ लड्डू के भैया, आपको पता है आज सुबह तो गजब ही हो गया। क्या गजब हो गया पगली? ओ अपने भरभूती जी है ना, उनको ना तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है हमको। क्या हुआ उनकी तबीयत को, क्या हुआ? ओ जब से उनको गधा काटे है ना, तो उनका बियर ना कुछ बदल गया है। बियर बदल गया? वो बियर नहीं, बिहेवियर होता है पगली। सही पकड़े हैं। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। आपको पता है आज सुबह तो गजब ही हो गया। क्या गजब हो गया पगली? ओ अपने भरभूती जी है ना, उनको ना तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है हमको। क्या हुआ उनकी तबीयत को, क्या हुआ? ओ जब से उनको गधा काटे है ना, तो उनका बियर ना कुछ बदल गया है। बियर बदल गया? वो बियर नहीं, बिहेवियर होता है पगली। सही पकड़े हैं। उनका बर्ताव ना कुछ बदल गया है। अच्छा बर्ताव में और क्या क्या बदलाव हुआ, जरा विस्तार से बताओ पगली, बताओ। ओ कहा है लड्डू के भैया कि भरभूती जी गधे जैसा बर्ताव करने लगे हैं। अच्छा भाभी जी भी तो यही बोल रही थी। उन्हें बात बात पर ऐसे गधे की तरह कर रहे हैं। अच्छा और क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, जरा बताओ। आप जो परसों पौधा लाए थे। हाँ क्या क्या हुआ पौधे को? वो भरभूती जी पूरा पौधा खा गए। एलो पूरा पौधा ही खा गए। हादी आप हंस कह रहे हैं। हाँ से नहीं तो और क्या करे पगली। बस तुम इतना समझ लो कि जिस दिन का हमें इंतजार था ना, उसकी बुनियाद डलनी शुरू हो गई है। अब कहा बोल रहे हैं, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है। तुम समझने की कोशिश करो भी मत, तुम तो बस वो अपने झबरे गधे के साथ तनिक खेलो। आपको पता है, अच्छा भरभूती जी वो पौधे को बड़े चाव से खा रहे थे ना, तो हमको बिल्कुल हमरा जबरा गधा लग रहे थे। तो वो जबरा गधा ही तो है। एक तो बात पूछे आपसे। हाँ पूछो बगली। अच्छा जब भरभूती जी अब पूरा गधा बन जाएंगे, तो कहाँ हम उनको पाल सकते हैं? बिल्कुल पाल सकती हो बगली। जैसे वो पूरे गधे बन जाएंगे, हम तुम्हारे लॉन में उनका खूंटा गाड़ देंगे। लाओ पगली। हम भी यही चाहते हैं पगली कि भभूती जी जल्दी से जल्दी गधा बने और भाभी जी से उनका पीछा छूटे, ताकि हम भाभी जी के साथ प्रेम की नैया में बैठकर रोमांस की बंसी बजाएं। ऑन पिक अप द फोन। पता नहीं कहां मर गए प्रेम का बच्चा, फोन भी नहीं उठा रहा है। हाय प्रेम। क्यों बे विभूति, ये क्या नया नाटक खेल रहा है? हाँ गधे की मूंछ गधे की पूंछ। सब बताऊंगा बाद में यार। नहीं पहले तुझे बताना पड़ेगा विभूति, तब दूंगा। अच्छा यार मैं एक नाटक में ना गधे का रोल कर रहा हूँ। अबे साले तू तो पहले से ही गधा है, तुझे एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? वैसे भी गधे का कोई मौका छोड़ता नहीं है वैसे। अबे तेरी कैसी इज्जत बे। अबे बेइज्जती तो उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत होती है, तेरी इज्जत है ही कहाँ? कुछ ज्यादा हो रहा है, फालतू की बकवास बंद कर, अब निकल ले तू यहाँ से, चल। पहले ये बता विभूति, तू रायता क्या फैला रहा है? एक्चुअली क्या है कि वो भाभी जी को ना गधों से प्यार है। ओ, तो तू इसलिए गधा बन रहा है?
है। मैंने कहा यार इंसान बन के तो उनका प्यार मिला नहीं, तो गधा बन के भी आजमा लिया जाए। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो कुछ दिन उसके शहर में ठहर के देखते हैं। उन्हें गधे गधियों से प्यार है, तो एक बार जिंदगी में उनके लिए गधा बन के देखते हैं। गुड, वेरी गुड। अबे साले तू जिंदगी भर गधा ही बनता रहेगा, ये ले इसमें गधे का सारा गेटअप है। मैं चलता हूँ विभूति। अरे वाह भाभी माँ, वाह भैया, बड़े ही हैंडसम गधे लाए हैं आप लोग। चुप कर, अपना काम कर। अरे वाह, ये गधा तो बोलता भी है। भाभी जी, ये आपके सामने जबरे की बेइज्जती कर रहा है, ह्यूमिलेट कर रहा है जबरे को, और आप हंस रही भाभी जी, दिस इज नॉट राइट। अशांत हो जाइए जबरा जी, अभी बोलते हैं उसको। देखो लड्डू, ये जबरा जी को ना ही ऐसा बोलते। हाँ जाओ, तुम जाओ कर अंदर पढ़ाई करो, जा। नहीं भाभी माँ, मुझे जबरे के पीठ पर ना एक बार बैठना है। बाप की पीठ है क्या? हाय देव लड्डू, वो कहाँ है ना, अके भरभूति जी अभी पूरी तरह गधा ना ही बने हैं। जिस दिन बन जाएंगे ना, उस दिन तुमको इनकी पीठ पर बिठा कर सवारी करा देंगे, ठीक बा? तिवारी जी जरा प्लीज ये बोझा उतारिए। बहुत ही बदतमीज टाइप का घर है, पता कितना परेशान किया इसने रस्ते में। ऐसा कहे बोल रहे लड़के भैया। भाभी जी जरा प्लीज पानी पिला दीजिए। हाँ लाते हैं। सुनो, गिलास में पानी मत लाना, बाल्टी में भर के लाना, क्योंकि गधे बाल्टी में पानी पीते हैं। हमको मालूम है, हम रजबरा भी उसमें ही पीता था। लाते हैं। और सुनिए, हमारे लॉन की घास थोड़ी बढ़ गई है, जाके चर लीजिए, लॉन भी साफ हो जाएगा और आपका पेट भी भर जाएगा, है? और हाँ, एक एक, एक मशवरा और दे रहे हैं, ये भाभी जी का पीछा छोड़ो यार, इतनी खूबसूरत महिला के साथ तुम गधे बंधे पड़े हो यार, जाके किसी गधैया के पीछे पड़ जाओ। ठाकर कटी के पास जाइए, वहां आपके समाज की बहुत सारी गधैया मिल जाएंगी, जाइए उनके साथ बंध लीजिए सीधा, है ना? तो ये आपके लिए जो है बहुत सही रहेगा। गधा दुलत्ती भी मारता है, माइंड इट। अरे अनीता जी, क्या हुआ भाभी जी, सब कुशल से तो है? तिवारी जी कुछ भी कुशल वुशल नहीं है। अनीता क्या हुआ, क्या भभूति जी ने कुछ किया क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, दरअसल जो हुआ वो मुझे बताने में भी शर्म आ रही है। अंगूरी तुम जरा ऊपर जाओ। अरे अंगूरी जी को ऊपर क्यों भेज रहे हैं आप? नहीं वो आपने कहा ना कि अंगूरी के सामने आपको बताते हुए शर्म आ रही है, तो अरे अगर मुझे शर्म आएगी तो आपके सामने आएगी ना, अंगूरी जी के सामने क्यों आएगी? तो क्या हम जाएं? कोई जरूरत नहीं है, एक्चुअली मैं तो ये बताने आई थी कि विपू की धीरे धीरे पूंछ निकल आई है। खुशी हो रही है तिवारी जी? नहीं भाभी जी, हमें समझ में नहीं आ रहा हम कैसे रिएक्ट करें। आइडिया, अब भरभूति जी का पूछ आ रहा है, हम रजबरा। हाँ गुरी जी, धीरे धीरे विभू मेरी आंखों के सामने गधा बनता जा रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। भाभी जी तो कुदरत की माया है, कहीं धूप तो कहीं छाया है। नहीं नहीं तिवारी जी, मैं विभू को किसी हाल में गधा नहीं बनने दूंगी। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।